तू सारे नु मार कट के वापस आ जी बस। कोई फिक्र ना कर जानी, तिरंगा लहरा कर आऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल बॉलीवुड में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह मूवी के 15 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और यह बताएंगे कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फिर फ्लॉप हुई। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पेशल बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। दोस्तों शेर शाह मूवी जो कि रिलीज हुई थी 12 अगस्त 2021 को, इस मूवी के डायरेक्टर थे विष्णु वर्धन और प्रोड्यूसर थे करण जौहर। दोस्तों इस मूवी में नजर आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। दोस्तों ये मूवी एक बायोपिक फिल्म है जो कि विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है और उनकी पत्नी का किरदार निभाया है कियारा आडवाणी जी ने। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। अगर इस मूवी के हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो यह मूवी अपने पहले दिन 14 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन इस मूवी 18 करोड़ 33 लाख रुपए की कमाई की थी। अगर इस मूवी के हम तीसरे दिन की बात करें तो यह मूवी तीसरे दिन 21 करोड़ 27 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं इस मूवी का एक हफ्ते का टोटल कलेक्शन हुआ था 122 करोड़ 50 लाख रुपए। अगर इस मूवी के हम आठवें दिन की बात करें तो इस मूवी ने आठवें दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं नवें दिन इस मूवी ने 9 करोड़ रुपए की कमाई की थी और दसवें दिन ये मूवी 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों ये मूवी तेरहवें दिन 7 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं चौदहवें दिन 8 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अगर इस मूवी के 15वें दिन की बात करें तो ये मूवी 15वें दिन 5 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। तो दोस्तों इस मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों ये मूवी 15 दिनों में 208 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। दोस्तों इस मूवी का बजट जहां 60 करोड़ रुपए है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 208 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों ये मूवी हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी आने वाले समय में ऑल टाइम के लिए ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहें।